तो कैसे हैं आप? और आज बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने माइक सॉरी ससुराल घर वापस। और अभी बज रहा है दोपहर का, सर शाम का बोलेंगे 3:30 बज चुका है। तो मौसी लोग भी जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और रात को पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे घर, मतलब बागेश्वर, 11, 12 की 10, 9, जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर अभी पिठियाँ लग रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, यहाँ से रुको, यहाँ से अभी सब बच्चे ये देखिए। अभी इनका था नहीं कि हम जाएंगे कंफर्म था, तो इसने ऐसी चुटिया बना ली ढेर सारी, तो अभी गाड़ी में ही खोलेंगे इसकी चुटिया को। तो ठीक है, फिर देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और पिठिया हो गया है पतला, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। मेरे फोन का बैक कवर है, चलो जीते रहो, चलो लगाओ सब। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं थोड़ा घर से बाहर। और वैसे स्कूटी में सामान रोड तक जाएगा। चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो 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 गिरो। और ये 3:30 बजे की धूप में, कोई बात नहीं, थोड़ा गाड़ी में जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और बस यहाँ पे हमारा जाते हैं और ठीक ठाक। अच्छा समझ नहीं आएगा ये बैग, वही बिठाई चल बैठो। और बस यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए थे, अपने अपने को भी एडजस्ट किया और सामान भी एडजस्ट किया, तो बस आगे आगे निकल दी थी हम लोग की गाड़ी। लेकिन आगे जब मार्केट में पहुँचे ना, फिर 1.5 घंटे का हमको वहाँ पे जाम और लग गया था। 1.5 घंटा हमने मतलब घड़ी में देखे टाइम से हिसाब से बताया, 1.5 घंटा जाम में फंस गए थे। क्योंकि आजकल जून का महीना है, तो लोग छुट्टियाँ मनाने पहाड़ों को ही आते हैं ज़्यादातर, तो देखिए कितनी लंबी कतार है गाड़ियों की। लेकिन जब आगे और जो वाले पहाड़ों में गए ना, तो फिर तो थोड़ा सा हमको अच्छे से रोड खाली मिल गई थी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। फिर थोड़ी देर में सभी लोग सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे, देखे पीछे भी सब सो गए, लेकिन मैं और हम लोग मौसी लोग उठे थे। और बस थोड़ी देर में फिर उठ गए थे सभी लोग। और देखिए सामने पहाड़ों के बीच में जो मंदिर है ना, सामने कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये पायलट बाबा आश्रम के नाम से मंदिर मतलब प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बड़े से हनुमान जी की मूर्ति, और अंदर भी मंदिर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मुख्य द्वार पे थे बड़े से गणपति जी। जा रहा है नैनीताल को, देखिए नैनीताल कितना किलोमीटर है, 9 किलोमीटर नैनीताल, 9 किलोमीटर अल्मोड़ा 55, यहाँ पुलिस भी लगी है। हाँ है, नैनीताल जाता है ना, देखो यहाँ पे सीधे जाएंगे अल्मोड़ा को जा रहा रोड, ये जाएगी इधर को नैनीताल को, ये अल्मोड़ा को जाएगी सीधे यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये नैनीताल को गई, पुलिस लगी रास्ते में। हाँ इस साइड पर जाम लगा है, फिर अभी ये अभी हम लोग को जान देंगे, तो लोग उसमें हम जाम में फंसे थे ना, कैसी धाम में 15 तारीख को मेला लगेगा तभी तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम का हाल, 5 से 6 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ था, क्योंकि कैंची धाम मंदिर में 15 जून को ना बहुत भव्य मेला होता है बाबा नीम करोली का। इसमें देश विदेश से और अदर मतलब जो हमारे भारत के अदर राज्य हैं वहाँ से भी श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे। उनसे देखिए पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ वहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पे सजना भी शुरू हो गया है मंदिर का, जो मंदिर होता है ना उसका एरिया, और जो यहाँ पे बाकी वो क्या बोलते हैं जो कारोबारी होते हैं ना, छोटे छोटे दुकान वाले, वो भी आ गए हैं। और जो उनकी बाबा की मूर्ति थी ना, वो बाहर पे रख दी थी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए, और बहुत ज़्यादा वाली भीड़ भी थी वहाँ पे। देखिए मुख्य मंदिर है नीम करोली बाबा का,
और यहाँ पे देखिए कितने भीड़ है। अभी कैमरा में जूम करके कर तो रही थी लेकिन हो नहीं पाया था फिर भी। बस इसके बाद हम लोग भवाली से भी आगे निकल गए थे और भवाली से अल्मोड़ा के बीच में हमको ऐसे ट्रैफिक जाम ना कम मिला था, क्योंकि भीमताल ये भवाली तक ना बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक हो जाता है 15 जून की वजह से। और फिर देखिए आगे गए सूख रखी नदी ना, लेकिन जब ये बरसात में अपना विशालकाय रूप लेती है तो बहुत ज़्यादा तबाही मतलब ये नदी करती है। बस और आगे निकल चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और रोड देखिए अभी पूरी खाली ही हमको मिली है तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बच्चे फिर से सो गए थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया था, उनको नींद आ गई थी यहाँ पे बच्चों को सभी को। और ये देखिए हमारे आगे केमू की बस जा रही है धूल उड़ाते हुए, और ऊपर जो देखिए ना ये बरसात की वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पे भूस्खलन हुआ हुआ है, क्या बोलते हैं भूस्खलन ही बोलते हैं शायद। और अभी बरसात आएगी फिर से यही हाल होने वाला है। और देखिए अल्मोड़ा यहाँ से भी ये लाइट जला लो ना लो, तुम कितने ठसा ठस बैठे हो ऊपर भी। और अभी अल्मोड़ा पहुँचते तो लेकिन इससे पहले ही जाम लग गया था और अंधेरा हो गया था, हमको भूख भी लग गई थी तो मौसी लड्डू लेके आई थी जो होते ना बूंदी के वो खाए, और जो सेमियाँ बनती है ये मैदे की वो खाई और सच में बहुत टेस्टी हो रही थी, भूख भी लगी थी। और बस देखिए गाड़ी में बैठे हैं और सामने देखिए जाम का हाल, रात हो चुकी है और इसका पार्ट टू ना जब हम रात को पहुँचे हमारे साथ क्या हुआ तो ये जानने के लिए आपको इसका पार्ट टू देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो इसलिए मैं दो पार्टों में इसको बनाया। तो ठीक है, मिलते हैं इसके पार्ट टू में। बाय।